केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पैसेंजर रेल यातायात के यात्री सेवा समिति बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न अपने 5 सदस्य टीम के साथ आज टूंडला रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां टूंडला विधायक सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने रेलवे स्टेशन सहित रेलवे परिसर का निरीक्षण किया, स्टेशन के वेटिंग हॉल में भाजपा के पदाधिकारियों से मिलकर चर्चा की। रमेश चंद्र रत्न ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया और भारत के संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर को 2 गज जमीन भी नहीं दी। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। होम मिनिस्टर होने के नाते मोदी जी ने नोडल ऑफिसर रेलवे का और स्टेट का टाई अप करके बनाने का कार्य किया, श्रमिक ट्रेनें चलाने का कार्य किया, स्पेशल ट्रेनें चलाने का कार्य किया, लेकिन विपक्षी और सत्ता भोगी लोग जिन्होंने जाति पंथ धर्म की खेती पैदा की, जिन्होंने देश के टुकड़े कराए, जिन्होंने अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, आज वही लेफ्टिस्ट और वही कांग्रेसी भारतीय रेल और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं कि रेल बेच दी, जहाज बेच दिया। अरे उनको पूछो, देश बेचने वालों, देश में जात पंथ धर्म की खेती पैदा करने वालों, जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा, जिससे सरकार चलाई, तुमने मम्मी डैडी की जन्मपत्री से नहीं चलाई, उस संविधान पुरोधा डॉक्टर अम्बेडकर को 2.5 गज जमीन नहीं दी, कफन तक पैदा नहीं होने दिया, सांसद 52 और 53 में नहीं बनने दिया, भारत रत्न भी जब मिला जब समित सरकार की थी वाजपेयी की, और पंच तीर्थ स्थल डॉक्टर अम्बेडकर का मोदी जी ने बनवाया नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में नतमस्तक होकर के कहा कि आज मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊं तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत बनाऊं। इन महान पुरुषों से अब 7 दिन का पखवाड़ा बन रहा है। आज कभी भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का, ये भारतीय जनता पार्टी है जो सर्व समाज के ऋषि मुनि संत पुरुषों का कार्य कर रही है। हम घरों में राम राम करते हैं, लेकिन जय श्री राम के नाम से कतराते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी भारतीय संस्कृति भारत विश्व में विख्यात है, और जब कहते हैं मंदिर।